नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। संसद का मॉनसून सत्र आज से, जीएसटी समेत कई और अहम विधेयकों को पारित कराने पर होगा सरकार का जोर। कश्मीर और अरुणाचल का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक, विपक्ष से सहयोग की अपील, प्रधानमंत्री का सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर। बांदीपुरा में भीड़ का सेना के कैंप पर हमला, सीआरपीएफ के 2000 अतिरिक्त जवान तैनात, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू जारी। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश से जानमाल का भारी नुकसान, अलग अलग हादसों में 10 की मौत, राजस्थान के करौली में बाढ़ से स्थिति गंभीर। तुर्की में अब तक 6000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, हिरासत में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और न्यायाधीश, सजाए मौत के प्रावधान पर संसद कर सकती है विचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। अगले महीने की 12 तारीख तक सत्र चलेगा, जिसमें 20 कामकाजी दिन होंगे। सरकार 16 विधेयकों को विचार के लिए पेश करेगी। इनमें अध्यादेशों की जगह लेने वाले 3 विधेयक शामिल हैं। मॉनसून सत्र में सरकार का जोर जीएसटी समेत कई अहम विधेयकों को पारित कराने पर होगा। जीएसटी के अलावा सरकार मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर अध्यादेश की जगह लेने वाले 3 विधेयकों और साथ ही शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन के विधेयक को पारित कराने पर जोर देगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश समेत कई और अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस जीएसटी की दर को संविधान संशोधन बिल में शामिल करने की मांग कर रही है। मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सरकार की सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी पर विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कश्मीर पर एक सुर में बोलने के लिए सभी दलों का आभार जताया। कांग्रेस ने कहा कि वो जनता के हित वाले विधेयकों का समर्थन करेगी, जबकि दूसरे दलों ने और चर्चा की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में मॉनसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल देश हित में है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको इसका समर्थन करना चाहिए। जीएसटी पर प्रधानमंत्री की ये अपील कांग्रेस से कई दौर की चर्चा के बाद आई। सरकार को उम्मीद है कि सत्र में उसे सभी दलों का सहयोग मिलेगा। We had a very fruitful discussion for 2 hours and all the leaders assured cooperation for conduct of the business of the both the houses of the parliament. राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यपालों के कार्यकाल का दुरुपयोग, महंगाई और कश्मीर जैसे मसले उठाने की भी बात कही। केंद्रीय सरकार को अपनी विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम बंद कर देना चाहिए। दूसरा मुद्दा उठाया मैंने कश्मीर का, कि कश्मीर का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कश्मीर के मुद्दे को आज उसको सिर्फ कश्मीर में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्ष में देखना चाहिए, उस हालात में देखना चाहिए। सीपीएम और समाजवादी पार्टी ने जीएसटी पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कांग्रेस से बात कर रही है, जो उचित नहीं है। We have told the government at least now call this meeting. We have some concerns. Listen to us. Agree, disagree. Let the majority decide. But do not stop this process of consultation. Without that, the spirit of parliamentary democracy gets undermined. जीएसटी बिल पे आज सभी लोगों की सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद इस पे कोई निर्णय होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सरकार 16 विधेयकों को विचार के लिए पेश करेगी। मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 20 बैठकें होंगी। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और रविवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक की। सुमित्रा महाजन ने सत्र को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। बैठक के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने कश्मीर में तनाव, महंगाई और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में राज्यपालों के अधिकार से जुड़े मुद्दे उठाए। स्पीकर ने सभी जरूरी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा कराने का भरोसा दिया।
बैठक के दौरान संसद के कामकाज को पेपरलेस बनाने के मकसद से सांसदों के लिए ई पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के जरिए सदस्य सदन में अपने सवाल और नियमों के तहत चर्चा की मांग को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। अभी जो जम्मू कश्मीर की घटनाएं हैं, टेररिज्म जो पूरे कई बार विश्व के अनेकानेक इसमें जो हो रहा है उस पर चर्चा की अपेक्षा की जा रही है, वो बात भी उठेगी। कई बात जो गवर्नर के इस पर भी कुछ रूलिंग पे चर्चा अपेक्षित है, प्राइस राइज तो एक विषय है ही, ऐसे अनेकानेक विषय पे आज सभी हमारे नेताओं ने कहा है कि अपेक्षा है। लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहे अरुणाचल प्रदेश को रविवार को नया मुख्यमंत्री मिल गया। कांग्रेस नेता पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री और शोभना मे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाने की बात कही है। कांग्रेस नेता पेमा खांडू ने रविवार को अरुणाचल के नौवे मुख्यमंत्री की शपथ ली। ईटानगर में हुए कार्यक्रम में कार्यवाहक राज्यपाल तथागत राय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेमा देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने जल्द ही मंत्रिमंडल के गठन और राज्य के विकास की बात कही। हम भी ट्राई करेंगे कि उस जितना भी मतलब पुराना प्रोजेक्ट है उसको खत्म करने का और भी उस अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट स्टेट में लेके आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो यूथ का। तो हमारे जो कैबिनेट अभी फॉर्मेशन होने के बाद तो सभी से मैं सजेशंस वगैरह लेके मैं अच्छी तरह से स्टेट को आगे लेके जाने का विचार करता हूँ। पेमा खांडू के साथ ही शोभना मे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का सरकार को पूरा समर्थन हासिल है। अपना सोच से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जितना भी सीनियर लीडर्स है उनका ऊपर पूरा हमारा सपोर्ट है, गाइडेंस है, हम लोग एक साथ मिलकर चलेगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि नबाम तुकी के इस्तीफे के बाद ये साबित हो गया है कि उनके पास बहुमत नहीं था। वो ये सोचे कि उन्हीं के एमएलए और नेता उनसे असंतुष्ट क्यों हुए, बाहर क्यों निकले, एक अन्य पार्टी के साथ क्यों उन्होंने मर्ज किया, बीजेपी का तो बाहर से समर्थन था। शनिवार को नाटकीय घटनाक्रम में पेमा खांडू को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। वहीं नबाम तुकी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। पेमा खांडू को कांग्रेस के 45 और दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस ने रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत रविवार को मुख्यमंत्री पद की दावेदार शीला दीक्षित और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर एक साथ लखनऊ पहुंचे। शीला दीक्षित ने बाहरी होने के आरोपों को भी खारिज किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे तो कार्यकर्ता उत्साह में थे। एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक हर जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली की तरह वो उत्तर प्रदेश में भी विकास करेंगी। जब मैं दिल्ली गई थी तो सब लोगों ने ये कहा था कि दिल्ली आउटसाइडर है, आउटसाइडर्स आउट से आई है, उत्तर प्रदेश से आई है, दिल्ली को चलाया कि नहीं 15 बरस यही काम यहाँ पर भी होगा। कांग्रेस नेताओं का ये जमावड़ा विधानसभा चुनाव की प्रचार रणनीति को लेकर था। इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना चाहती है। राज बब्बर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जीत के लिए वो मन लगाकर काम करेंगे। हम चुनौती लेने नहीं आए हैं, हम मिशन के साथ में आए हैं। हम किसी चुनौती के साथ नहीं आए, हम उत्तर प्रदेश की जनता के उस शक्ति को जानते हैं जिसने चमत्कार किए हैं। कांग्रेस ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के लिए नई टीम का ऐलान किया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यों वाली मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के 29 विधायक हैं। राज्य में कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में मायावती के खिलाफ बगावत कर बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बना ली है। उन्होंने सूबे की राजनीति में अपना सिक्का जमाने के लिए बहुजन लोकतांत्रिक मंच का गठन किया है। पार्टी की साख बढ़ाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 सितंबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली करने का ऐलान भी किया। इस रैली से उनकी पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मिशन की शुरुआत करेगी। रैली को सफल बनाने के लिए मौर्य ने प्रदेश के कई जिलों में जनसंपर्क का कार्यक्रम भी रखा है। अपनी पार्टी को विस्तार देने के मकसद से स्वामी प्रसाद मौर्य BSP के ही पूर्व नेता R.K. चौधरी और बाबू सिंह कुशवाहा से संपर्क बनाए हुए हैं।
पिछले महीने मौर्य ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए बीएसपी से नाता तोड़ लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जनता से बातचीत के लिए टॉक शो लॉन्च किया। टॉक टू एके के जरिए केजरीवाल ने अपने कामकाज का रोड मैप दिखाया, साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को भी आड़े हाथों लिया। नमस्कार अरविंद जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को टॉक टू एके में लोगों के सवालों के जवाब दिए। जवाब देने से पहले उन्होंने करीब 35 मिनट तक दिल्ली सरकार के काम गिनाए। ईमानदारी के साथ डटे रहो और जनता के लिए काम करते रहो। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से केंद्र सरकार भारत पाकिस्तान वाला रिश्ता रखती है, अगर मुझे काम करने दिया गया तो 2 साल में दिल्ली को लंदन जैसा बना दूंगा। आज का जो कार्यक्रम था ये ऐतिहासिक सफलता रही है आज के कार्यक्रम की। पूरे देश में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीय और देश के अंदर बहुत सारे प्रश्न जो लोगों के मन में थे, आज उन्होंने सीधे अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत करके अपने मन की दुविधा को दूर करने का काम किया। केजरीवाल के इस कार्यक्रम को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया और उन्हें नसीहत भी दी। अगर आप वास्तव में दिल्ली की जनता के और जनता के सवालों से सरोकार करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप आईजी स्टेडियम के अंदर या दिल्ली के बड़े किसी स्टेडियम के अंदर आप सामने बैठिए और लाइव जनता के सवाल जवाब करिए। केजरीवाल जी ने मोदी जी के तर्ज पे ही मोनोलॉग का यानी एक तरफा भाषण का कार्यक्रम जनता के पैसे से शुरू कर दिया। दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों के दोनों, प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी, जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपनी बात जनता को सुनाना चाहते हैं। वाईफाई हो रहा है दिल्ली में, मुफ्त वाईफाई से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें 2 से 3 साल लगेंगे। रविंद्र सिंह शारान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में झड़प में शनिवार को एक और प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके साथ ही घाटी में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2000 अतिरिक्त जवानों को वहां भेजा गया है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार कश्मीर पर किसी से बातचीत नहीं कर रही है। अलगाववादियों के बंद के कारण कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में रविवार को भी कर्फ्यू लगा रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सोमवार से खुलने वाले घाटी के स्कूल कॉलेजों को 24 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के 2000 अतिरिक्त जवानों को घाटी भेजा है। पिछले सप्ताह भी 2800 अतिरिक्त जवानों को भेजा गया था। Our neighbor Pakistan is always trying to fish in the troubled waters. They will never succeed. There are internal problems and their problems will be addressed too. There are problems in every state and Kashmir being a border state, there are problems also. And this problem we have inherited. It's not a creation of this government. उधर कांग्रेस ने रविवार को बैठक कर घाटी के हालात की समीक्षा की। बैठक में पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पीडीपी बीजेपी गठबंधन से लोग नाखुश हैं और हिंसा की सबसे बड़ी वजह यही है। कश्मीर में हजारों लोगों से बात करने की जरूरत है, हर तहरीक से बात करने की जरूरत है। जितना तजुर्बा हम लोगों को है जो लोग हुकूमत में यहाँ रह चुके हैं, उनसे बात करने की जरूरत है। आप नौजवानों से, बच्चों से, मीडिया वालों से, हर एक से बात करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कोई ऐसा कोई इशारा नहीं हुआ कि वो आमादा है बात करने के लिए। कश्मीर में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद तनाव शुरू हुआ था। अलगाववादियों ने अपनी हड़ताल सोमवार तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमाम अहम खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवको, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं, क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के, जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स लॉक रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। Thank you.
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने आलोचकों से ये बताने को कहा है कि आखिर मुद्रास्फीति कैसे कम हुई है। उन्होंने कहा कि विकास दर पर महंगाई को तवज्जो देने जैसे बयान देने वाले ये बताएं कि महंगाई कैसे बहुत कम है। राजन ने मुंबई में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन आलोचनाओं का कोई आर्थिक आधार नहीं है। राजन की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि महंगाई कम करने की वजह से उन्होंने ब्याज दरों को ऊंचा कर रखा है। राजन ने माना कि आर्थिक सुधार की रफ्तार को लेकर निराशा जरूर है, लेकिन इसकी वजह लगातार दो साल से पड़ रहा सूखा और वैश्विक अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति है। 4 सितंबर को RBI गवर्नर के पद से रिटायर होने वाले राजन ने कहा कि ढांचागत सुधारों को लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के एटा में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी श्रीपाल को बीती रात एटा से गिरफ्तार कर लिया। वहीं आबकारी विभाग और पुलिस के 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये घटना शुक्रवार की है। जिले के लोहारी दरवाजा और लौकेड़ा गांव के कुछ लोगों ने शराब पी थी। 6 पीड़ितों की आंख की रोशनी चली गई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2,00,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में भारी बारिश अब लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन और बारिश से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में अब तक 10 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान के करौली में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। ये तस्वीरें हैं देश के अलग अलग शहरों की। एक तरफ जहां पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के बाद भूस्खलन से यातायात बाधित और लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तराखंड में जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गढ़वाल और कुमाऊं में सड़क यातायात बाधित है। भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ा है। आसपास के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन से बद्रीनाथ, जोशीमठ समेत कई राजमार्ग बंद हो गए हैं। सैकड़ों मुसाफिर रास्ते में फंसे हैं। मैं NH की बात करूं, तो NH भी खतरे की जद में है। NH के नीचे पूरा पानी का पानी जा रहा है और उसके ऊपर से चट्टान टूटने के डर, नीचे से पानी जाने का डर है। तो मुझे ये लगता है कि एक दो दिन में ऐसी बारिश रही तो NH भी टूट जाएगा। वहीं बारिश के थमने के लिए महिलाएं विशेष प्रार्थना कर रही हैं। सारी मकान, दुकान, प्राचीन मंदिर है, मंदिर सब डूबने लगे क्या, डूब गया सब, पूरा शासन प्रशासन दो दिन से ही पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। असम में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने 6 जिलों को चपेट में ले लिया है। 2,00,000 से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। वहीं दिल्ली में जारी बारिश से लोगों को जल जमाव और ट्रैफिक जाम से 2-4 होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। 1 अगस्त के बाद हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। घरेलू फ्लाइट रद्द होने, देरी से उड़ान भरने या ओवर बुकिंग की वजह से जगह नहीं मिलने पर यात्रियों को अब अधिकतम 20,000 रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी DGCA 1 अगस्त से नए दिशा निर्देश लागू करने जा रहा है, जिसके तहत फ्लाइट रद्द होने पर एयरलाइंस कंपनियों को 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं घंटे भर फ्लाइट में घंटे से 2 घंटे की देरी होने पर इतना ही हर्जाना दिया जाएगा। इसके अलावा ओवर बुकिंग की वजह से जगह नहीं मिलने पर यात्रियों को 20,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। अब तक एयरलाइंस कंपनियां फ्लाइट कैंसिल होने या देरी से उड़ान भरने पर 4,000 रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में लुसियाना के बेटन रूज में रविवार को हुई गोलीबारी में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हुई है, जबकि 1 जख्मी हुआ है। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। ये घटना पुलिस हेडक्वार्टर के पास हुई। हमले के वक्त पुलिस एक अश्वेत की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। 5 जुलाई को बैटन रूज में एक अश्वेत के मारे जाने के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में डलास में ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घटना की निंदा की है। तुर्की में हुई हिंसा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 290 हो गई है। तख्तापलट की कोशिश नाकाम होने के बाद अब बागियों की गिरफ्तारियों का दौर जारी है। सरकार के मुताबिक अब तक 6,000 लोगों को पकड़ा जा चुका है। हालांकि अभी गिरफ्तार लोगों की तादाद में
और इजाफा हो सकता है। हिरासत में ले गए लोगों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और न्यायाधीश शामिल हैं। पश्चिमी प्रांत डेनिजली में 50 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को पकड़ा गया है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगन ने कहा है कि संसद में मौत की सजा के प्रावधान पर फिर से विचार हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि तख्ता पलट के पीछे तुर्की मौलवी फातुल्ला गुलेन का हाथ है, हालांकि गुलेन ने इससे इनकार किया है। फ्रांस के दक्षिण शहर नीस में ट्रक के जरिए हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस ने दो और संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें हमलावर मोहम्मद लावेज बुलेल की पत्नी भी शामिल है, जो अलग रह रही थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। गुरुवार 14 जुलाई को नीस में बाल्टीज दिवस समारोह के दौरान हमलावर ने ट्रक के नीचे कई लोगों को कुचल दिया था। इस हमले में 84 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 300 लोग घायल हुए थे। हमले के दौरान पुलिस ने हमलावर को मार गिराया था। दुनिया में ऐसे कम ही लोग पैदा होते हैं जिनका जीवन अपने आप में दर्शन होता है। वो दुनिया में आते हैं, दुनिया से जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा बना रहता है। ऐसे ही एक शख्स हैं नेल्सन मंडेला, जिनकी आज जयंती है। आइए याद करते हैं मदीबा को। विरासत पाने के लिए खून का, जाति का या देश का रिश्ता जरूरी नहीं होता, विरासत मिलती है अपने कामों से। महात्मा गांधी की विरासत को आधुनिक युग में अगर किसी शख्स ने आगे बढ़ाया तो वो थे नेल्सन मंडेला, या कहें लोगों के प्यारे मदीबा। ऐसा नहीं था कि मदीबा ने शुरू से ही गांधी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। रंगभेद के खिलाफ उन्होंने हथियार भी उठाए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि हिंसा से ही हिंसा का जन्म होता है। एक ऐसी ही हिंसक क्रांति की अगुवाई करते वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में वो गांधी के दर्शन से रूबरू हुए और धीरे धीरे एक नए नेल्सन मंडेला ने जन्म लिया, जो सत्य की राजनीति करता था, जिसके व्यवहार से उसके गोरे जेलर तक उसकी इज्जत करते थे। मंडेला के इस नए रूप ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को लड़ने का नया हथियार दिया, जिसमें खून खराबे के लिए कोई जगह नहीं थी, और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब रहे। जेल से बाहर आए तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद हटाकर नई सरकार की स्थापना की। 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1994 में वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए और अपने वादे के मुताबिक 1999 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद भी वो रंगभेद के खिलाफ काम करते रहे। 5 दिसंबर 2013 को जब उन्होंने दुनिया से विदा ली तो बड़े बड़े नेता उन्हें आखिरी सलाम देने पहुंचे। मदीबा उस वक्त दक्षिण अफ्रीका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेता बन चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज पुण्यतिथि है। राजेश खन्ना एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से जनता का ही नहीं बल्कि आलोचकों का भी दिल जीता। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। राजेश खन्ना के सदाबहार स्टाइल और अंदाज के पीछे एक मंझा कलाकार छिपा था। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। फिल्म नौकर, इत्तेफाक, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों में उन्होंने लीक से हटकर रोल किए। वहाँ तो कोई नहीं। काका की कामयाबी का दौर 1969 से 1971 के बीच रहा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बाबू साहब, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं। उनकी एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में आईं। अपने दौर की फिल्मों में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए, कहीं दिल फेंक आशिक, कहीं माँ बाप की इकलौती आस, कहीं जेल से भागा कैदी। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट यू मेरे।
बताया कि 80 का दशक आते आते सिनेमा का बुरा दौर शुरू हुआ तो राजेश खन्ना का सूरज भी ढलने सा लगा, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अवतार, आज का एमएलए राम अवतार और सौतन जैसी हिट फिल्में दी। 90 के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और 1992 में लोकसभा में पहुंचे। राजेश खन्ना ने उस दौर में युवाओं को एक अलग स्टाइल दी और उनकी फिल्म आनंद में वो दर्शकों को जिंदगी का फलसफा दे गए। कैसी है पहेली हाय। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। और अब आखिर में हेडलाइंस। संसद का मॉनसून सत्र आज से, जीएसटी समेत कई और अहम विधेयकों को पारित कराने पर होगा सरकार का जोर, कश्मीर और अरुणाचल का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक, विपक्ष से सहयोग की अपील, प्रधानमंत्री का सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर। बांदीपुरा में भीड़ का सेना के कैंप पर हमला, सीआरपीएफ के 2000 अतिरिक्त जवान तैनात, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू जारी। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश से जानमाल का भारी नुकसान, अलग अलग हादसों में 10 की मौत, राजस्थान के करौली में बाढ़ से स्थिति गंभीर। तुर्की में अब तक 6000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, हिरासत में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और न्यायाधीश, सजाए मौत के प्रावधान पर संसद कर सकती है विचार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।